हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मारिया और आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो लाहौरी फ़िश की है। मैंने जो फ़िश जो थी ऑलरेडी पहले डस्ट करके रख ली है मैदे से। इसको 15-20 मिनट्स के लिए आपने रख देना है जैसे डस्ट करके सिंपल मैदे में। और अब जो इसमें बाकी चीज़ें डालेंगी मैं आपको बता दूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया है बेसन 2 कप्स के करीब, और यहाँ पर जो मैंने मसाले ऐड करने हैं इसमें है अजवाइन है 1 टीस्पून, और इसमें ज़ीरा है, और साबुत धनिया जो मैंने हल्का सा रोस्ट करके जो है क्या कहते हैं रखा है उसको दरदरा से कर लिया है, आमदस्से में डाल के कर लें। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया 1 टीस्पून, हल्दी लिया 1/2 टीस्पून, आप चाहें तो कुटी भी लाल मिर्च यूज़ कर लें, मैं पिसी भी यूज़ कर रही हूँ, ये भी 1 टीस्पून है। सॉल्ट जो है वो टेस्ट के मुताबिक है, मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 नींबू लिए हैं वो निचोड़ के रख लिए हैं। यहाँ पे है लहसुन का पानी, लहसुन का पानी जो है 5 से 6 लहसुन के जवे ले लीजिए, उनको छील के लहसुन का जो है पीस कर थोड़ा सा और उसमें पानी डाल दीजिए जो कि हम इसमें ऐड करेंगे। सिरका मैंने लेना है इसमें 2 टीस्पून के करीब, और अभी जो है मैं इसका बैटर बनाने लगी हूँ। इसमें सारे मसाले जो हैं जो मैंने आपको बताए हैं प्लेट में ये मैं सब ऐड करूँगी। पानी जो होगा हम एज रिक्वायरमेंट हमें जैसे चाहिए होगा हम वैसे डालेंगे। इसको जो है मिक्स करेंगे। इसमें ये नींबू जाएगा। सिरका जाएगा इसमें 1 टीस्पून के करीब। और अब जो ये लहसुन का पानी है वो मैं इसमें डालूंगी। इसमें मैंने जो है हाफ जो था उसका लहसुन का पानी ऐड कर दिया, और अब थोड़ा सा पानी ऐड करके अब इस बैटर को डालूंगी। पानी आप अपने देख लेंगे अपने हिसाब से, ना ज़्यादा हमने इसको बैटर को थिक करना है ना ज़्यादा पतला, नॉर्मल सब घोलना है बिल्कुल। ये देखें हमने इसको घोल लिया इस तरह का हमें चाहिए। और अब जो है मैंने जो ये डस्ट करके रखी हुई है मैदे में फिश इसको मैं डाल दूंगी इसमें। फ्रेंड्स मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया, और अब इसको मैंने 3 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देना है। उसके बाद मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। 3 घंटे बाद इसका बेस्ट रिजल्ट आता है, तो आपने इसको 3 घंटे के बाद डीप फ्राई करना है। तो अभी इसको मैं 3 घंटे के लिए कवर करके रख रही हूँ। इसको 3 घंटे बाद मैं इसको फिर ओपन करूँगी। फ्रेंड्स इसको मैरिनेट किए हुए मछली को यानी लाहौरी मछली को मैरिनेट किए हुए मुझे 3 आवर्स हो चुके हैं, और अब मैं जो है यहाँ पर ऑयल गर्म करने रख चुकी हूँ, और इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ और इसमें से आज आपने लो मीडियम में रखी क्योंकि मैंने बहुत देर का ऑयल रखा हुआ था तो ये काफी गर्म हो चुका है। Thank you.
आज मैंने स्लो ही रखी हुई है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने इसको बीच में से तोड़ के आपको दिखा दिया है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देखें। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, केचप के साथ या किसी चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। और सर्दियों में स्पेशली मछली जो है उसका यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। तो आई होप कि आप इसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का पता लग सके। माय नेम इज़ मारिया और मैं फ़िश, लाहौरी फ़िश की रेसिपी के साथ बाय बाय कह रही हूँ। बाय बाय, थैंक यू।